गाइज, अगर आपको अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बनाना है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से ही एक प्रोफेशनल एनिमेशन बटन कैसे बना सकते हो बिल्कुल मेरे चैनल के जैसे। और गाइज, आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही 10 से ज्यादा प्रोफेशनल टेम्पलेट्स के लिंक को ऐड कर दिया है, तो आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको उसे एडिट करना होगा अपने चैनल के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, और साथ में मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, आपको उस एक लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको जो भी बेस्ट लगे आपको उसे ही अपने हर एक वीडियोस में सेम यूज़ करना है। देन आपको एक वीडियो एडिटर ऐप की ज़रूरत है, उसके लिए बेस्ट ऐप है आपका पावर डायरेक्टर, और दूसरा ऐप का काइन मास्टर। आप दोनों में से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोनों में। डाउनलोड और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर में एक प्लस बटन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 16:9 सेलेक्ट करना है YouTube वीडियोस के लिए। और उसके बाद आपने जो भी डिस्क्रिप्शन से अभी टेम्पलेट को डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर आपको अपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको राइट साइड में एक मीडिया आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और आपका जहाँ पे भी वो वीडियो है आपको उस फोल्डर में जाना है और उस वीडियो पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सो ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अपने चैनल का ही सब्सक्राइब एनिमेशन, जो कि टेम्पलेट मैं यूज करता हूँ, उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपने चैनल का यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेट करना है, और यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम सेट करना है। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको राइट साइड में लेयर ऑप्शन दिख रहा है, आपको लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लेयर में मीडिया ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपका जिस फोल्डर में भी आपका प्रोफाइल पिक्चर है आपको उस फोल्डर में जाना है, और आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर को सर्कल में क्रॉप करना होगा, वो आप कैसे करोगे, आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है टाइमलाइन पर, और उसके बाद राइट साइड में आपको स्क्रॉल करने के बाद क्रॉपिंग का एक टैब मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मास्क को इनेबल करना है। देन आपको नीचे शेप का ऑप्शन मिल रहा है, शेप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करना है। देन ऑटोमेटिक आपका प्रोफाइल पिक्चर सर्कल में क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर में एक एरो बटन दिख रहा है, आपको सिंपली उस पर टिक करना है। अब मेन है आपकी एडजस्टमेंट, आपको अपने प्रोफाइल फोटो को अपने टेम्पलेट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना होगा, तो इसके लिए आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके उसे थोड़ा छोटा कर सकते हो एरो से, और उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके देखना है कि आपका ये प्रोफाइल फोटो कहाँ पर आके फिट होगा। तो यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हैं। सो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको मैं उसके प्लेस पे लाके रख देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से प्ले करके देखते हैं। सो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल फोटो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया मेरे टेम्पलेट से। अब इसको प्रोफेशनल दिखाने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पिक में एनिमेशन ऐड करना होगा। जैसे हमारा टेम्पलेट ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो आपको अपनी फोटो को भी ऊपर की तरफ स्लाइड करवाना होगा। वो आप कैसे करोगे, सिंपली आपको अपने पिक्चर पर क्लिक करना है, राइट साइड में आपको एनिमेशन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन एनिमेशन के टैब में जाना है, और यहाँ से आपको स्लाइड अप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में टिक बटन दिख रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन ऐड हो गया है। अब आपको अपने पिक्चर को नीचे की तरफ भी स्लाइड करना है, जैसे हमारा टेम्पलेट नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, तो फिर से आपको अपने पिक पे क्लिक करना है, और इस बार आपको आउट एनिमेशन के टैब में जाना है, और यहाँ से आपको स्लाइड डाउन सेलेक्ट करना है, स्लाइड डाउन पे क्लिक करना है, और ऊपर में आपको टिक बटन दिख रहा है, तो आपको टिक पे क्लिक कर देना है। मींस ऊपर के लिए आपको स्लाइड अप सेलेक्ट करना है, और नीचे ले जाने के लिए स्लाइड डाउन एनिमेशन सेलेक्ट करना है। प्ले करके देखते हैं। सो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने चैनल का नाम सेट करना है, जिससे कि व्यूअर को आपके चैनल का नाम याद हो जाए। वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में लेयर ऑप्शन दिख रहा है, आपको लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारे चैनल का नाम हमारे टेम्पलेट पे ऐड हो गया है। अब अगर आप इसका फॉन्ट या कलर चेंज करना चाहते हो, वो आप कैसे करोगे, सिंपली आपको अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे आपको ए कैरेक्टर दिख रहा होगा, आपको उस पर जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो ब्लैक, और यहाँ पे ऊपर में आपको टिक बटन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो राइट साइड में आपको सीजर के नेक्स्ट में एक कलर बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से टिक बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने चैनल के नाम को भी अपने टेम्पलेट से मैच करना है, जैसे कि हमने प्रोफाइल पिक्चर पे किया था। सो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसे अपने टेम्पलेट पे एडजस्ट कर लेना है। इसका आप साइज भी छोटा कर सकते हो। उसके बाद आपको प्ले करके देखना है कि ये कैसा लिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट पे ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आपको इसमें भी एनिमेशन ऐड करना है, ऊपर के लिए स्लाइड अप और नीचे ले जाने के लिए स्लाइड डाउन। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और राइट साइड में आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपको ऊपर के लिए स्लाइड अप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो कि आपको कितना फास्ट या कितना स्लो लाना है। तो यहाँ पर ये मेरा परफेक्ट है, तो इसको मैं ऊपर टिक बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको नीचे ले जाने के लिए स्लाइड डाउन सेलेक्ट करना है, तो फिर से आपको अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आउट एनिमेशन में इस बार स्लाइड डाउन सेलेक्ट करना है और फिर ऊपर टिक बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक प्रोफेशनल सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बन गया है। अब इसको आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर साइड में एक्सपोर्ट आइकन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और जो मैंने आपको अभी काइन मास्टर का ऐप दिया है उससे आप क्वाड HD 4K में या फिर फुल HD में भी वीडियो सेव कर सकते हो। ये आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी फुल HD 1080p पे रखना है और फ्रेम रेट यहाँ पे 30 पे रखना है। क्वालिटी आपको लो से हाई करनी है, आपको क्वालिटी अपनी हाई रखनी है। और लास्टली आपको नीचे एक एक्सपोर्ट बटन दिख रहा है, सिंपली आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो ऐसे आपके फ़ोन में आपके चैनल का एक प्रोफेशनल सब्सक्राइब एनिमेशन बटन सेव हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने सब्सक्राइब एनिमेशन बटन को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने वीडियोस में ऐड करना है। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन करना है और आपका जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको मीडिया में जाना है और अपना फाइल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोला है अपने व्यूअर को उस पार्ट पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्सक्राइब बटन ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में लेयर ऑप्शन दिख रहा है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेयर के मीडिया पे क्लिक करना है और आपने अभी जहाँ पे भी अपने उस वीडियो फाइल को सेव किया है तो वहाँ से आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक्सपोर्ट में जाके फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इसे अपने फुल स्क्रीन पे ड्रैग कर लेना है, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको क्रोमा की यूज़ करना है जिससे कि ये ग्रीन बैकग्राउंड हट जाए। उसके लिए आपको सिंपली अपने सब्सक्राइब बटन पे वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में आपको क्रोमा की का टैब दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। सो आपका जो भी ग्रीन स्क्रीन है आपके सब्सक्राइब एनिमेशन पे वो हट जाएगा। और लास्टली आपको ऊपर में एक चेक एरो दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब प्ले करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे वीडियो पे हमारा सब्सक्राइब एनिमेशन बटन ऐड हो गया। अब सिंपली आपको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर से आपको ऊपर एक्सपोर्ट आइकन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइज आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही अब आप अपने चैनल के लिए भी एक परफेक्ट सब्सक्राइब एनिमेशन अब बना सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब एनिमेशन अपने वीडियोज़ में यूज़ करते हो तो आपकी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है और आपके व्यूअर आपके सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। जैसे अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो। साथ ही में गाइज अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं वैसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।